तो नमस्कार दोस्तों, मैं संदीप, आप सभी का फिर से स्वागत है आपके अपने सक्सेस टू यूट्यूब चैनल में। दोस्तों, जिन स्टूडेंट का एग्जाम इसी मंथ में है या आने वाले मंथ में है, उनके लिए ये वीडियो बहुत ही इंपॉर्टेंट एंड हेल्पफुल है, क्योंकि आज की इस वीडियो में वो सारे क्वेश्चन इंक्लूडेड हैं जो पिछले कई महीनों से लगातार पूछे जा रहे हैं और नए सिलेबस पर आधारित है। तो आपको वीडियो को एंड तक जरूर देखनी है। तो चलिए आज की इस वीडियो को स्टार्ट किया जाए। दोस्तों, वीडियो स्टार्ट करने से पहले मैं आप लोगों को एक इन्फॉर्मेशन देना चाहूँगा। इन्फॉर्मेशन ये है कि पिछले जो मंथ में जिन स्टूडेंट का ट्रिपल सी का एग्ज़ाम हुआ था, उन्होंने जब उनका रिजल्ट आया, अभी जल्दी में रिजल्ट आ चुका है उनका, तो उन स्टूडेंट ने कमेंट करके बताया, सर जो आपने क्वेश्चन बताए थे मैक्सिमम उसी वही सारे क्वेश्चन पूछे गए थे एग्ज़ाम में और मैं अच्छे ग्रेड से पास भी हो गया हूँ। तो मुझे काफ़ी अच्छा फील हुआ कि हाँ, थोड़ा मोटिवेशन मिल जाता है कि हाँ, जो स्टूडेंट को मैंने बताया वो सारे क्वेश्चन पूछे गए और वो पास भी हो गए। तो अगर आपको भी मेरे द्वारा पढ़ाए गए क्वेश्चन अच्छे लगते हैं, आपके एग्जाम में हेल्पफुल होंगे, तो आप प्लीज़ हमें कमेंट जरूर करिएगा। अगर आप कुछ पूछना चाह रहे हैं तो पूछ सकते हैं, ठीक है। और हाँ, अगर चैनल पे पहली बार है तो चैनल को सब्सक्राइब करके उसके साइड में बेल आइकन प्रेस कर दीजिएगा, जिससे आपको क्या होगा, जैसे भी कोई लेटेस्ट ट्रिपल सी नोटिफिकेशन मैं अपलोड करूँ तो उसका नोटिफिकेशन आप तक पहुँच सके। और ये आपकी अपनी वेबसाइट है, यहाँ पर भी आपको ट्रिपल सी से रिलेटेड टॉप लेवल के क्वेश्चन देखने को मिलेंगे। इसकी वेबसाइट का लिंक वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, वहाँ से ओपन करके आप वेबसाइट पे जा सकते हैं, ठीक है। और ये फेसबुक पेज है, आप इससे भी हमें ज्वाइन हो सकते हैं, लिंक वीडियो के डिस्क्रिप्शन में है। चले आज के टेस्ट की बात किया जाए। जो आज के टेस्ट में पहला क्वेश्चन है दोस्तों, वो है एक A4 पेपर पर अधिकतम कितनी स्लाइड प्रिंट की जा सकती हैं। क्वेश्चन का मतलब समझिएगा, फिर उसका आंसर दीजिएगा। मैं पिछले बैच के जो स्टूडेंट थे उनको मैं यही बता रहा था कि पहले क्वेश्चन का मतलब समझिएगा फिर उसका आंसर दीजिएगा, वही मैं आप लोगों से भी कहना चाहूँगा, पहले क्वेश्चन का मतलब समझिएगा फिर आंसर दीजिएगा, ठीक है। तो इसका ऑप्शन नंबर एक है 5, बी नंबर है 9, सी नंबर 1, डी नंबर 4। तो इसका जो राइट आंसर होगा आपको मालूम है तो कमेंट सेक्शन में बेशक आप बता सकते हैं, अदरवाइज मैं बताऊँगा, ठीक है। इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा दोस्तों बी नंबर 9। एक A4 पेपर पर अधिकतम आप 9 स्लाइड प्रिंट कर सकते हैं, ठीक है, की जा सकती हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन को बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है PNR स्टेटस किस ऐप में देखा जाता है। आई होप आपने टिकट रेलवे बुकिंग की होगी, कहीं आप जाना जाते हैं तो बुकिंग तो की होगी अपना, तो वो PNR स्टेटस आप किस ऐप में देख सकते हैं। नंबर एक भीम, नंबर बी IRCTC, सी नंबर PNR, डी नंबर Paytm। तो आई होप इसका आंसर आप लोगों को मालूम ही होगा, राइट आंसर हो जाएगा बी नंबर IRCTC, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन को बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्रेडिट कार्ड करना किससे संबंधित है। तो एक नंबर है डेबिट, बी नंबर बैंक में पैसा जमा करना, सी नंबर कैश निकालना, डी नंबर इनमें से कोई नहीं। तो इसका आंसर आप लोगों को बताना है, यदि आपको लोगों को मालूम है तो बता सकते हैं, ठीक है, कमेंट सेक्शन में। राइट आंसर हो जाएगा बी नंबर, बैंक में पैसा जमा करना, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। .png का पूर्ण रूप होता है ए नंबर पब्लिक नेटवर्क ग्रुप, बी नंबर पोर्टेबल न्यू ज्वाइन, सी नंबर पब्लिक नेटवर्किंग ग्राफिकल, डी नंबर पोर्टेबल नेटवर्क ग्राफिक्स। तो PNG आप लोगों का एक इमेज का फॉर्मेट होता है, ठीक है। जब जैसे आपकी कोई इमेज होती है तो उसके लास्ट में जो डॉट करके लिखा रहता है वो आपका PNG, या आप लोगों JPG देखा होगा या TXT देखा होगा, तो वो हमारा एक्सटेंशन नेम होता है। तो .png एक्सटेंशन का फुल नेम क्या होता है। तो दोस्तों इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो क्या हो जाएगा, क्या हो जाएगा, राइट आंसर इसका हो जाएगा क्या हो जाएगा, चलिए राइट आंसर हो जाएगा इसका डी नंबर पोर्टेबल नेटवर्क ग्राफिक्स, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। LibreOffice क्लर्क में सेल जोड़ने की शॉर्टकट कीज क्या होती है। तो नंबर है Ctrl+J, बी नंबर है Alt+J, सी नंबर है Ctrl++, डी नंबर Ctrl+-। तो जैसे कि आप यानी एक्सेल में, इस क्वेश्चन क्लर्क का मतलब होता है LibreOffice में एक्सेल, ठीक है। तो एक्सेल में जैसे कि आपको LibreOffice में क्लर्क में एक्सेल यानी कि आप लोगों को इंसर्ट करना है, तो वहां पर आप Ctrl++ का ऑप्शन क्लिक करेंगे, यानी कि कंट्रोल की दबाएंगे कीबोर्ड से, और उसके बाद प्लस की होती है, प्लस उसमें सिंबल बना रहता है, जैसे उसको आप दोनों के साथ प्रेस करेंगे आपके सामने एक इंसर्ट होकर यानी जुड़ जाएगा, ठीक है, इंसर्ट होकर आपको देखने को मिल जाएगा। ट्राई जरूर करिएगा अगर आपके पास कंप्यूटर सिस्टम है तो। और हाँ, ये LibreOffice जिन स्टूडेंट को नहीं पता मैं आपको बताना चाहूँगा, LibreOffice एक नया सिलेबस ऐड हुआ है, पिछले 3-4 महीनों से लगातार इसी से रिलेटेड मैक्सिमम क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं। तो जितना भी हो सके आप LibreOffice से क्वेश्चन पढ़ के जाइएगा,
और मैंने भी लिब्रे ऑफिस के लिए स्पेशल क्लासेस बनाई है, लिंक वीडियो के डिस्क्रिप्शन में है, जाइए वहाँ से लिब्रे ऑफिस के आप स्पेशल क्लासेस देख लीजिए, आई होप आपको पूरी तरह से हेल्प मिल जाएगी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं, निम्न में ओलेक्स किस कैटेगरी में आता है? ओलेक्स आई होप आप लोगों को मालूम ही होगा, ठीक है, जिसपे आप कुछ परचेज और सेल अपना भी कर सकते हैं, जैसे कि आप कोई पुराना फ़ोन है उसे आप सेल करना चाहते हैं, या कोई आप पुराना मोबाइल या कुछ भी लेना चाहते हैं तो आप ओलेक्स पे ले सकते हैं। तो नंबर एक किस कैटेगरी में आता है? तो नंबर एक है B2C, बी नंबर C2B, सी नंबर B2B, डी नंबर C2C। ये B2C, B2C का मतलब होता है बिजनेस टू कस्टमर, या कस्टमर टू बिजनेस, या फिर बिजनेस टू बिजनेस, या फिर कस्टमर टू कस्टमर। तो राइट आंसर इसका हो जाएगा C2C, ठीक है, क्योंकि कस्टमर टू कस्टमर सेल होते हैं, इसमें कोई बिजनेस वाला सिस्टम नहीं है। राइट आंसर हो जाएगा C2C, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं, बैंक को इंटरनेट से कब अटैच किया गया या कब जोड़ा गया, ठीक है, या किस सन में इसे जुड़ा, ऐसा भी क्वेश्चन हो सकता है। तो क्वेश्चन मतलब वही है कि किस सन में जोड़ा गया था, ठीक है, बैंक को इंटरनेट से। तो राइट आंसर हो जाएगा डी नंबर 1996 में, यानी 1996 ईस्वी में। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, कॉमन सा क्वेश्चन, जनरली क्वेश्चन है, आई होप के डेली लाइफ में यूज होने वाला है, क्योंकि कभी भी कोई भी पूछ सकता है कि अब बैंक से भी आप जुड़े हैं, इंटरनेट से भी जुड़े हैं, तो अगर आप लोग जानकारी रखते हैं तो इससे बेटर क्या हो सकता है। तो आप लोग इसे अपने पेन है आपके पास या आपके पास नोट डाउन भी कर सकते हैं, करना चाह रहे हैं तो कर सकती, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं, IBM 1401 किस पीढ़ी का कंप्यूटर है? तो नंबर एक प्रथम, नंबर बी द्वितीय, नंबर सी तृतीय, डी नंबर चतुर्थ। तो कोई कन्फ्यूजन क्रिएट करना होता है हो जाता है क्वेश्चन में, जैसे कि आप लोग सोचते होंगे IBM ये 1401 किस पीढ़ी से संबंधित है, ये किस पीढ़ी का कंप्यूटर है, ठीक है। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा बी नंबर, ठीक है, इसका राइट आंसर हो जाएगा बी नंबर द्वितीय, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन है, लिब्रे ऑफिस राइटर में फॉन्ट साइज बढ़ाने की शॉर्टकट की होती है? तो नंबर एक है कंट्रोल प्लस ब्रेकट, ये आपको ब्रेकट या कोई छोटा ब्रेकट बड़ा ब्रेकट आप लोगों को देखने को मिलता है, जैसे कि आप बोलते हैं छोटा ब्रेकट, मंझला ब्रेकट, बड़ा ब्रेकट, ठीक है। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा, जो फॉन्ट बढ़ाया जा सकता है उसका राइट आंसर क्या हो जाएगा दोस्तों, आपको मालूम है तो कमेंट सेक्शन में बता सकते हैं, क्योंकि इसका आंसर मैंने आप लोगों को कई बार बताया है, शायद आप लोगों को ध्यान भी होगा, नहीं ध्यान है तो मैं तो बता ही दूंगा। इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा बी नंबर, ठीक है, कंट्रोल प्लस ये ब्रेकट, हो सकता है आपकी सिस्टम में ऐसा भी देखने को मिलेगा, ठीक है, और ऐसा दो एक साथ देखने को मिलेंगे सिंबल, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं, DFT का पूर्ण रूप होता है? नंबर एक डिजिटल फाइल टोकन, बी नंबर डायनोमिक फोल्डर टूल्स, सी नंबर डबल फंड टूल्स, डी नंबर डिजिटल फाइनेंशियल टूल। इस तरह के जो फुल हम होते हैं यानी फुल नेम होते हैं वो अक्सर पूछ ही लिए जाते हैं, क्योंकि कई बार क्वेश्चन पूछा गया है, तो आप लोगों को ध्यान देना, इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा डी नंबर डिजिटल फाइनेंशियल टूल, डिजिटल फाइनेंशियल टूल्स, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, आप किसी वेब पेज को डाउनलोड करके अपने कंप्यूटर पर सेव कर सकते हैं? किसी वेब पेज को डाउनलोड करके अपने कंप्यूटर पर सेव कर सकते हैं, एक बार ट्राई करिएगा, कोई वेबसाइट ओपन करिएगा, उसको सेव करिएगा अपने डेस्कटॉप पे, बिल्कुल वो हो जाएगा, यानी राइट आंसर हो जाएगा ट्रू है ये नंबर, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मॉनिटर स्क्रीन पर एक बिंदु को एक पिक्सल कहा जाता है? तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा ट्रू, जी मॉनिटर पर जो आपको जो बिंदु देखते हो उसे पिक्सल ही बोलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, एक्स्ट्रा डेसिमल में सी का मतलब 9 होता है? ये क्वेश्चन आप लोगों का आई होप जिनको पता ही होगा, बाइनरी जिन्होंने पढ़ी होगी, ठीक है, उन लोगों को पता होगा। तो सी का मतलब 9 नहीं होता है, इसका जो राइट आंसर हो जाएगा फाल्स। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन है, एक्सेल में डिफॉल्ट 2 वर्कशीट होती हैं? तो इसको मैंने आप लोगों को कई बार बताया इसका आंसर, ये क्वेश्चन हो जाएगा आप लोगों का फाल्स। जो एक्सेल में बाय डिफॉल्ट सीटें होती हैं कितनी होती हैं? होती हैं 3, 2 नहीं होती हैं, ठीक है, बाय डिफॉल्ट 3 होती है, आप अपने अकॉर्डिंग यूज के अनुसार अपने वर्क के अनुसार और भी इंसर्ट कर सकते हैं, लेकिन बाय डिफॉल्ट 3 होती हैं, 2 आएगा एग्जाम में तो आप फाल्स कर दीजिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कंपैक्ट डिस्क में स्टोर किए गए डाटा को एडिट किया जा सकता है? तो जी बिल्कुल, ये फाल्स क्वेश्चन है, कंपैक्ट डिस्क में यानी CD में स्टोर किया गया डाटा को आप एडिट नहीं कर सकते जब तक परमिशन नहीं है तब तक, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कंपाइलर और इंटरप्रेटर सिस्टम सॉफ्टवेयर के उदाहरण हैं?
तो जी बिल्कुल राइट आंसर है, सिस्टम सॉफ्टवेयर के उदाहरण ये हमारे सब, जो कि आपको कंप्यूटर के लैंग्वेज में समझने योग्य ये ट्रांसलेट करते हैं, ठीक है। इसलिए राइट आंसर हो जाएगा सी नंबर, यानी ट्रू हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सिंगल यूजर सिस्टम को सिक्योरिटी की आवश्यकता होती है। तो जी बिल्कुल, चाहे वो डबल यूजर सिंगल हो चाहे सिंगल हो, सिक्योरिटी की रिक्वायरमेंट होती है, आप लोगों को मालूम ही होगा। डी नंबर राइट आंसर हो जाएगा, ट्रू है डी नंबर, ठीक है ट्रू। नेक्स्ट क्वेश्चन है, एमएस डॉस में सीएलएस यानी कि सीएलएस कमांड का स्क्रीन को क्लियर करने के लिए किया जाता है। एक क्लियर यानी कि एमएस डॉस में, ठीक है, डॉस जिन स्टूडेंट ने पढ़ा होगा उनको मालूम होगा डॉस होता है, जो कि ब्लैक स्क्रीन आपको देखने को मिलती है, ध्यान आ गया। तो वहाँ पर कुछ कमांड्स यूज किए जाते हैं, जैसे कि EMD हो गई, CLS हो गया, DIR हो गया, वर हो गया, ठीक है। इस तरह के कमांड्स होते हैं, CD, ठीक है, जो कि एम एस डॉस में यूज किए जाते हैं। तो CLS भी वहीं पे यूज किया जाता है, जो कि जैसे कि हमारी स्क्रीन फुल हो जाती है सब वर्क करते करते, तो उसको हमको क्लियर करना होता है, तो वहाँ पर हम CLS कमांड का यूज करते हैं। इसलिए राइट आंसर हो जाएगा ट्रू, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, नेक्स्ट क्वेश्चन ये है, कैश मेमोरी रैम के अंदर होती है। तो इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर हो जाएगा फाल्स, कैश मेमोरी रैम के अंदर नहीं होती, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, स्लाइड सॉर्टर व्यू में स्लाइड को डिलीट कर सकते हैं। तो जी बिल्कुल, आप क्यों नहीं डिलीट कर सकते, डिलीट कर सकते हैं। राइट आंसर हो जाएगा डी नंबर ट्रू, स्लाइड सॉर्टर व्यू में आप स्लाइड को डिलीट कर सकते हैं। तो दोस्तों, आपको वीडियो कैसी लगे, अच्छी लगी तो आप वीडियो को लाइक करिएगा। आज के इस वीडियो में बस इतने क्वेश्चन, आपको मिलते हैं किसी नेक्स्ट वीडियो में। अगर आपको इसी तरह के और भी वीडियो चाहते हैं तो प्लीज़ कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा, मैं नेक्स्ट क्वेश्चन में और भी वीडियो अपलोड करने की कोशिश करूँगा, ठीक है। नेक्स्ट वीडियो में और भी क्वेश्चन इसमें जोड़ने की कोशिश करूँगा, और मेरे चैनल पर ऑलरेडी पहले से बहुत सारी वीडियो मैंने अपलोड कर दी है। अगर अभी तक उन वीडियो को नहीं देखा है तो जाइए देख लीजिए, आपको पूरी तरह से एग्जाम में हेल्प मिल जाएगी। तो मिलते हैं आपको किसी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।